वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे टमाटर की मीठी चटनी। चलिए इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए देख लेते हैं। टमाटर छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, साथ में आपको चाहिए कुछ खजूर, इसको आप पानी में भिगो के रख ले थोड़ी देर के लिए। साथ में आपको चाहिए राई के दाने यानी कि सरसों, शक्कर, थोड़ी सी हल्दी और सरसों का तेल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग सरसों तेल कढ़ाई में डाल लेंगे। अब ये जैसे ही तेल गर्म होगा हम लोग इसमें राई के दाने डाल देंगे। हम लोग तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल लेंगे हम लोग राई के दाने। यहाँ पर मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, इस समय ही जब ये क्रैकल कर रहा है तो उसी समय आप दो सीटी में इसमें ऐसे टुकड़ा करके डाल दें। और हम लोग डाल लेंगे टमाटर। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, रह रहे के बीच बीच में इसको चलाते रहे ताकि दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए, थोड़ा सा पके। और इसी बीच हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बहुत थोड़ी सी, और फिर इसको मिला देंगे। फिर इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से नरम पड़ जाए। और इसी बीच हम लोग जो खजूर है उसको भी डाल लेंगे। इसको पानी में मैंने भिगो के रखा था थोड़ी देर के लिए, इसको भी डाल दें और मिला दें। फिर इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो शक्कर हम लोगों ने रखा हुआ है वो शक्कर, और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें डालेंगे हम लोग हल्का सा पानी, हमको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हल्का सा पानी हम लोग डालेंगे इसमें। जो शक्कर बचा हुआ है वो भी हम लोग घोल के निकाल लेते हैं। और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे हम लोग ताकि शक्कर पूरी तरह से इसमें घुल जाए। देखिए शक्कर पूरी तरह से घुल गई है, अब चटनी भी थोड़ी सी बाइंडिंग लेने लगी है, मतलब आपकी चटनी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर। अब इसको हम लोग मनचाहे बर्तन पे निकाल लेंगे। बन के तैयार है आपकी टमाटर की और खजूर की मीठी चटनी। बनाइए और बताइए कैसा बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें।